13 साल बाद जिले के खाते में आएगा नेशनल अवार्ड। बावलखंड के गांव टाकड़ी निवासी राजेश शर्मा को मिलेगा आज राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राजेश शर्मा को गत वर्ष मिला था राज्य शिक्षक पुरस्कार। बतौर हिंदी अध्यापक कार्यरत है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर में। माता बनारसी देवी को समर्पित बताया यह अवार्ड। इसी के साथ जिले के 6 अन्य शिक्षकों को भी मिलेगा राज्य शिक्षक पुरस्कार। मैं एक हिंदी शिक्षक हूँ और बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए मैंने अपने विद्यालय में एक बेहतरीन हिंदी कक्ष का निर्माण किया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कम लागत की TLM तैयार करते हैं और अपने पूरे हिंदी कक्ष स्थापित कर देते हैं। इसमें क्या रोल है, बच्चों की भूमिका अहम है। बच्चे उसी हिंदी कक्ष में नाना प्रकार की क्रियाकलाप के द्वारा बच्चे अपना पठन पाठन करते हैं और पूरे हिंदी कक्ष में हिंदी व्याकरण स्थापित किया हुआ है, जो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने क्या किया कि बच्चों में हिंदी के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए उन बच्चों में हिंदी के द्वारा नाना प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा उन पाठों को नाना प्रकार की गतिविधियों से हमने काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा हर वर्ष परीक्षा परिणाम 100% आता है और जिसके लिए गत वर्ष 2018 में राज्यपाल ने भी मुझे राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके साथ साथ मैंने नामांकन पे काम किया। नामांकन बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ साथ बेहतर परीक्षा परिणाम और बेहतरीन शिक्षण और लोगों को जागरूक करने से जो हमारे विद्यालय का नामांकन 107 था 2005-06 में, वो बढ़ता 326 के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने अपने विद्यालय में एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए एक नैरोलैक कंपनी के माध्यम से 15 लाख रुपए की लागत से 2 अत्याधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया और उनकी साफ सफाई का जिम्मा मैंने लिया। अर्थात मैं कहूँ कि मैंने उन शौचालयों को गोद लिया और मैं हर रोज उनकी सफाई करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने पॉलीथीन मुक्त भारत पे काम किया। मैंने क्या किया, मेरी मदर माँ कपड़े के थैले बनाती, मैं उन पे लिखता पॉलीथीन मुक्त भारत, पॉलीथीन मुक्त विद्यालय, पॉलीथीन मुक्त कार्यालय, और मैं गांव-गांव जाकर स्कूल जाकर लोगों को पॉलीथीन का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित करता था और लोगों को कपड़े के थैले वितरित करता था। इसके साथ साथ मैंने जो काम किया है, सबसे अहम काम जो है, भट्टा पाठशाला का मैंने काम किया, लोगों को जागरूक किया और मैंने जो 3 साल पहले 5 बच्चों के साथ जो बच्चों को पढ़ाने का काम किया था भट्टा पे जाकर, वो बढ़ते बढ़ते आज 90 तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त जो मैंने काम किया है वो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत वृक्षारोपण पे मैं हर महीने 500 रुपये पेड़ पौधों पर खर्च करके उन पौधों को मैं संवारता हूँ, उनका संरक्षण करता हूँ और लोगों को भी इस मुहिम से जुड़ने के लिए प्रेरित